हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल मिस्ट्री। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन मी ए टू आई मीन दोस्तों चाइना का मी 6X जो दोस्तों आज चाइना में लॉन्च हो गया है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारे पास एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। तो चलिए दोस्तों MI A2 के प्राइस रखे जा सकते हैं लोगों लगभग 17,000 के करीब, और दोस्तों एसुस ज़ेनफोन के प्राइस हैं 12,999 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे राइट साइड है वो मी ए टू चाइना का मी 6X, जो राइट साइड है वो एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। दोस्तों दोनों में आपको ड्यूल सिम मिल जाती है, 5.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है, दोनों में ही लगभग 6 इंच का डिस्प्ले है। दोस्तों दोनों में आपको ऑप्टो कोर मिलता है 2.2 GHz की, 4 GB RAM मिलती है ए टू में, एसुस ज़ेनफोन में मिलती है 1.8 GHz की, 4 GB RAM। दोस्तों दोनों में आपको ऑप्टो कोर मिल जाता है मी ए टू में, जो लिखा है क्वाड कोर। दोस्तों ये बिल्कुल इस टाइम गलत आ रहा है, दोनों में आपको ऑप्टो कोर मिलता है। मैं वीडियो के बीच में आगे बताने वाला हूँ कि दोनों में ऑप्टो कोर मिलता है। तो स्टोरेज की करते हैं तो 64 GB की स्टोरेज दोनों में मिल जाती है, 128 GB एक्सपेंड कर सकते हैं मी ए टू में, और दोस्तों प्रो में आप कर सकते हैं 2 TB के एक्सपेंड। दोस्तों दोनों की 6 GB वेरियंट भी आते हैं, और दोस्तों ये जो एसुस ज़ेनफोन का है इसका 3 GB वेरियंट भी आता है जो 10,999 का है। उस कैमरे की बात करते हैं तो मी ए टू में आपको मिलता है 12+20 का, और दोस्तों एसुस ज़ेनफोन में आपको मिलता है 13+5 का। दोस्तों ए टू की फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो मिलता है 20 MP का फ्रंट कैमरा, और ए टू M1 में आपको मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों लॉन्चिंग की डेट की बात की जाए तो दोस्तों ये चाइना में आज लॉन्च हो गया है, और जो डेट आ रही है हमारे पास ए टू की वो 16 मई तक आ रही है। दोस्तों एसुस ज़ेनफोन में आपको 3 मई 2018 को ये लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों लॉन्च तो हो चुका है, वो फ्लिपकार्ट ही आ जाएगा 3 मई 2018 तक। और दोस्तों ए टू इसका दोस्तों दोनों में आपको ओरियो मिल जाता है। कस्टम यूआई की बात करते हैं तो मी यूआई मिलेगा ए टू में, और एसुस ज़ेनफोन में मिलेगा ज़ेन यूआई। दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दोस्तों दोनों की क्विक चार्जिंग की बात करते हैं तो ए टू में आपको मिलता है क्विक चार्जिंग 3.0 की मिल जाती है। दोस्तों 50% ये 30 आधे घंटे में कर देगा, और एसुस ज़ेनफोन में 5 चार्जिंग आपको मिलती है। और दोस्तों ये जो है इसमें कलर मिल जाते हैं ब्लैक ब्लू गोल्ड रेड रोज गोल्ड मिल जाता है ए टू में, एंड M1 में आपको मिलता है ब्लैक और ग्रे। 6 इंच की स्क्रीन दोनों मिल जाती है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 403 PPI है, IPS LCD डिस्प्ले दोनों में आपको मिल जाता है। और उस तरह से बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो उसमें मिलता है A2 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660, और दोस्तों एसुस ज़ेनफोन में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 है। दोस्तों इसकी प्रोसेसर अगर ट्रू ऑप्टो कोर मिलता है 2.2 GHz का कैरोना 260, 1.8 GHz का क्वाड कोर कैरोना 260। और दोस्तों इसकी बात करते हैं M1 की ऑप्टो कोर 1.8 GHz की कैरोना 260 मिलता है, 64 bit दोनों में मिल जाता है। दोस्तों ग्राफिक्स बात करते हैं तो A2 में आपको मिलता है एंड्रोनो 512, और M1 में आपको मिलता है एंड्रोनो 509। 4 GB की रैम दोनों में मिल जाती है, स्टोरेज आपको मिलती है 64 GB की दोनों में ही। एक्सपेंड की बात करते हैं तो दोस्तों 128 GB एक्सपेंड कर सकते हैं ए टू में, एसुस में आप कर सकते हैं 2 TB की। USB OTG सपोर्ट आपको एसुस में मिल जाता है, और ए टू में दोस्तों पता नहीं। और 12+20 का डुअल प्राइम कैमरा मिलता है ए टू में, एंड एसुस ज़ेनफोन में आपको मिलता है 12+5 का, मतलब फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस दोनों में मिल जाते हैं। एपेक्स की बात करते हैं तो उसमें 1.7 का मिलता है ए टू में, एंड उसमें मैक्स में मिलता है 2.2 का। LED फ्लैश दोनों में आपको मिलती है। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही आपके 4K एंड फुल HD में कर देंगे। रेवोल्यूशन करते हैं फ्रंट कैमरे की, रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको मिलता है 20 MP का फ्रंट कैमरा ए टू में, एंड दोस्तों एसुस में आपको मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा जिसका एपर्चर है 1.7 का ए टू में, एसुस में आपको मिलता है 2.2 का। सॉफ्ट LED फ्लैश मिलती है, 3010 mAh की बैटरी मिलती है ए टू में, एंड एसुस ज़ेनफोन में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। लिथियम दोनों में आपको मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग दोस्तों हमको दोनों में मिल जाती है, वोल्टेज सपोर्ट आपको दोनों में मिलते हैं। उससे ऐसे वर्जन ब्लूटूथ वर्जन कहते हैं तो 5.0 का मिलता है ए टू में, एसुस ज़ेनफोन में आपको मिलता है 4.2 का। लाउड स्पीकर दोनों में मिल जाते हैं दोस्तों, आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है आपको एसुस ज़ेनफोन में, उस ए टू में आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में मिल जाते हैं, पोजिशन आपको रियल में मिलती है। और दोस्तों ऐसे ए टू के प्राइस 17,000 मेरा ओपिनियन है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का दोस्तों, क्योंकि ए टू के प्राइस बहुत महंगे हैं, आई मीन 17,000 के करीब आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे आपको सारी चीज़ बजट रेंज में आपको मिल जाती है M1 में। दोस्तों ऐसे ए टू ऐसे 14,000 के करीब आता है, तो दोस्तों ये ऐसे बजट रेंज फ़ोन हो जाएगा। तो ऐसे फिर मुझे यही लेना चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।